नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 7 नवंबर सोमवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की अब तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पाकिजा। पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ा तो पति ने पत्नी के परिवार वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने साले के फेसबुक पर भद्दे कमेंट किए और उसे बिकाऊ तक लिख दिया। जीजा की हरकत के कारण साले के फोन नंबर पर कॉल आ रहे हैं और उससे अश्लील बातें की जा रही हैं। सोमवार को युवक की पत्नी और साली एसपी ऑफिस पहुंची और शिकायती आवेदन दिया। दरअसल मालवीय नगर इंदौर के रहने वाले राहुल चौहान की शादी 4 साल पहले बड़नगर के जलोदिया में रहने वाली युवती से हुई थी। शादी के बाद राहुल पत्नी की पिटाई करने लगा तो वह मायके में आकर रहने लगी। दोनों परिवार के बीच विवाद इतना बड़ा कि राहुल बीकॉम कर रही अपनी साली को बदनाम करने लगा। उसने फेसबुक पर साली का मोबाइल नंबर डालकर लिख दिया कि एक औरत है बड़नगर में, फुल टाइम पैसे पूछना पड़ेंगे, आपको खुला ऑफर है। इसके बाद साली के फोन नंबर पर मन चलो की कॉल की भरमार हो गई। कॉल करने वाले लोग छात्रा से अश्लील हरकत कर रहे हैं, इससे छात्रा परेशान हो गई। सोमवार को वह बहन के साथ उज्जैन में एसपी ऑफिस पहुंची और शिकायती आवेदन दिया। मेरे हस्बैंड राहुल, हम दोनों के बीच के मतलब आपस में मैटर, लड़ाई झगड़े के चक्कर में, मारपीट करने के चक्कर में वो परिवार वालों को सबको परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। छोटी वाली सिस्टर के नंबर वायरल कर रहे हैं और उसके बारे में फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे डाल रहे हैं गलत। ये लेडीज बिकाऊ है, राहुल चौहान, मालवीय नगर 347/2। अगर मेरी बहन पे मतलब ये जो मैटर चल रहा है उस पे कार्रवाई नहीं की गई तो मेरी बहन के पढ़ाई अढ़ाई पे हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। और उसके पास वो नंबर वायरल करे तो उस चक्कर में 2-3 फ़ोन भी आ चुके हैं रॉन्ग नंबर उसके पास, और फ़ोन पे भी गलत अलग तरीके से बातचीत हो रही है। नहीं, वो दारू पी के मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे और गंदे गंदे शब्द बोलते थे, तो मैंने तलाक के लिए नोटिस। बहरहाल गुस्से में रिश्तों के तार तार होने का मामला नया नहीं है। इस मामले में जीजा की हरकत शर्मनाक है। अपने अफसर के जाली सिग्नेचर करके वेतन आहरण करने वाले उद्यान विभाग के पर्यवेक्षक मुकेश अजमेरी के जालसाजी का एक और नया कारनामा सामने आया है। अजमेरी ने भाजपा की एक नेत्री से उनके मकान में बनी अवैध गैलरी को बचाने के लिए 80,000 रुपए ऐंठ ली। जब नगर निगम के रिमूवल गैंग ने नेत्री की गैलरी तोड़ दी तो उसने अपने साथ हुई ठगी की जानकारी कमिश्नर को दी। कमिश्नर के घुड़की के बाद मुकेश अजमेरी ने ना सिर्फ नेत्री से माफी मांगी बल्कि उसके रुपए भी लौटा दिए। बताया जा रहा है नेत्री को मकान का अवैध हिस्सा हटाने का नोटिस मिला था। ये उन दिनों की बात है जब नगर निगम में प्रशासक का राज था। नेतागिरी बंद होने से मकान के बचने की उम्मीद कम थी। ऐसे में नेत्री का संपर्क मुकेश अजमेरी से हुआ। उसने कंपाउंडिंग शुल्क चुकाकर अवैध हिस्सा बचाने की सलाह दी और नेत्री से 80,000 रुपए ले लिए। ये रुपए देने के बाद भी नगर निगम की टीम ने अवैध हिस्सा गिरा दिया तो नेत्री को अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ। उन्होंने जब मुकेश से रुपए मांगे तो वह टाल मटोल करने लगा। आखिर परेशान भाजपा नेत्री ने महापौर मुकेश टटवाल और निगम कमिश्नर रोशन कुमार सिंह को लिखित शिकायत की। ये शिकायत मिलने के बाद निगमायुक्त ने मुकेश अजमेरी को अपने कक्ष में बुलाया और बर्खास्त करने की धमकी दी तो अजमेरी के होश खाफ्ता हो गए। वह कमिश्नर के पैर में लेट गया और गिड़गिड़ाने लगा। कमिश्नर के कक्ष से बाहर निकलते ही उसने नेत्री को कॉल किया और हाथों हाथ रुपए लौटा दिए। यहाँ हम आपको बता दें कि निगम गलियारों में मुकेश अजमेरी के जालसाजी के कई किस्से हैं और उसकी गिनती सबसे भ्रष्टतम कर्मचारियों में होती है। इंदौर की मुराई छावनी में रहने वाली कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस की सेल्स मैनेजर ने उज्जैन की एक सीनियर सिटीजन को क्लब में शामिल करने का झांसा देकर 32,00,000 रुपए की ठगी कर ली। सीनियर सिटीजन ने कोर्ट में परिवाद लगाया और सेल्स मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट जाते समय वीडियो बना रहे जर्नलिस्टों से महिला का परिवार उलझ गया और कैमरों पर हाथ मारने लगा। उज्जैन की माधवनगर थाना पुलिस सोमवार को इंदौर के मुराई छावनी में रहने वाली ममता तवर को चेक बाउंस के मामले में न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार कर थाने लाई, जहां से उसे कोर्ट पेश किया गया।
चेक बाउंस का यह मामला कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में निवेश कराने से जुड़ा है। उज्जैन के पंचमपुरा निवासी रविंद्र पिता रामेश्वर दयाल शर्मा ने इंदौर के न्यू पलासिया क्षेत्र स्थित NM कॉम्प्लेक्स में संचालित होने वाले कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जुलाई 2020 में 23 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसकी पूरी प्रक्रिया कंपनी की सेल्स मैनेजर ममता तवर ने पूर्ण कराई थी। रविंद्र ने बेटी शिखा शर्मा और बहन पुष्पा मिश्रा के नाम से 6-6 लाख रुपए निवेश किए। कंपनी ने रिटर्न के नाम पर काफी मोटा अमाउंट प्रति माह देने की बात की। रविंद्र ने बताया कि उन्हें गोल्ड और प्लेटिनम क्लब नामक स्कीम में निवेश कराया गया था, जहां से उन्हें 2,30,000 रुपए प्रति माह बचत के रूप में देने की बात कही गई थी। लेकिन कुछ समय बाद पैसा ना मिलने पर ममता तवर से पैसों के लिए तगाद किया गया, तो ममता तवर ने उन्हें 13 लाख रुपए का चेक 15 अप्रैल 2021 को दिया, जिसे बैंक में लगाने पर वह बाउंस हो गया। फरियादी ने चेक बाउंस का मामला कोर्ट में पेश किया, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 13 अक्टूबर को माधवनगर थाना पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। इस संबंध में रविंद्र शर्मा ने बताया, ये मैंने वहाँ पे सेल्स मैनेजर के पद पे इसको, जिसने 13 लाख का चेक दिया था मेरे को, चेक बाउंसिंग हो गया, उसके अंदर पकड़ाई में आई आज। ममता तवर इसका नाम है। कंपनी कौन सी है, कहाँ की है, ये तो जानकारी। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस। ये तो उनके रिकॉर्ड देखने में मालूम पड़ा होगा, अधिकतर यह सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनसे ना उनका जो पीएफ का पैसा है उसको कंपनी में इन्वेस्ट करवाते हैं और झूठ बोलते हैं कि आपको इतना मिलेगा। ये क्या करती थी कि जो कमीशन आता था वो भी वापस ले लेती थी, इसके पास ब्लैंक चेक रहते थे, ब्लैंक चेक डाल के पैसा निकाल लेती थी। इंदौर में ममता तवर को गिरफ्तार कर कोर्ट ले जाने वाले SI प्रेम मालवीय ने बताया, आरोपियों का नाम है ममता तवर, पिता अजय तवर, निवासी मुरई छावनी को गिरफ्तार करके अभी न्यायालय पेश किया जा रहा है। किस कंपनी की है क्या है? ये आप कोटक महिंद्रा कंपनी की है। जो आवेदक है वो भी शायद पहले कोटक महिंद्रा बैंक में एजेंट थे, तो इनके कुछ आपसी लेन देन या कुछ विवाद था जिसके तहत वारंट जारी किया गया था। माधवनगर थाने में मामले का कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों से आरोपियों के परिवार ने अभद्रता करने का प्रयास किया और मीडिया के कैमरों पर हाथ मारते नजर आए। स्ट्राइको 10 रुपए में चले 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा, स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट क्रेडिट बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने इंदौर रोड उज्जैन। संपर्क करें 9131145418। 2 माह पहले भाजयुमो नेता द्वारा जहर खाकर सुसाइड करने के मामले में नानाखेड़ा पुलिस ने जांच के बाद 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। अमर ने कर्जदारों से परेशान होकर 5 सितंबर को आत्महत्या जैसा जानलेवा कदम उठाया था। दरअसल शांति नगर का रहने वाला अमर यादव 5 सितंबर को चौधरी ढाबे के पास बेसुध हालत में मिला था। पास ही उसकी बाइक खड़ी मिली, उसको अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। जांच में पता चला वह आर्थिक तौर पर परेशान चल रहा था। उन्होंने अपनी बाइक तक गिरवी रख दी थी और घर बेचने की तैयारी कर रहे थे। कर्जदारों के चलते अमर ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया था। इसी मामले में जांच के बाद नानाखेड़ा पुलिस ने सतीश सिंदल, संजय वासवानी, जय सिंह, मुकेश बड़ेलवा और सतीश साहू के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा 306/34 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आपको बताते चले कि मामले में आरोपी बनाया गया सतीश सिंदल BJP नेता है और ऑनलाइन कैसीनो चलाता है। वहीं संजय वासवानी फ्रीगंज स्थित मधुर डेयरी के संचालक मोहन वासवानी का बेटा है और यह ब्याज का धंधा भी करता है। जनता से लोक लुभावन वादे कर शहर के प्रथम नागरिक बने मुकेश चटवाल शहर भर में घूम घूम कर भले ही सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कर रहे हो, लेकिन
उनके गृह वार्ड में ही जमीनी हकीकत चुनावी वादों की पोल खोल रही है। आज हम आपको ले चलते हैं उस वार्ड में जहां स्वयं शहर के प्रथम नागरिक निवास करते हैं। कैसी है वहां सफाई व्यवस्था, आप खुद ही देखिए। दरअसल महापौर मुकेश टटवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता की सेवा करने के वादे को लेकर खूब कस्में खाई थी और उन्हें भरोसा दिलाया था कि वे प्रथम नागरिक चुने जाने के बाद सफाई में शहर को नंबर वन बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। वादों से प्रभावित होकर जनता ने टटवाल को प्रथम नागरिक के पद पर आसीन भी कर दिया। महापौर बनते ही टटवाल ने वार्डों का निरीक्षण शुरू कर दिया। अमूमन हर सुबह वे अलग अलग वार्डों में जाते हैं और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए जरूरी निर्देश भी देते हैं, लेकिन उन निर्देशों का कितना पालन होता है इसकी सच्चाई आपके सामने है। दरअसल महापौर मुकेश टटवाल वार्ड क्रमांक 45 में रहते हैं। इस वार्ड के पार्षद गब्बर कुवाल कांग्रेसी हैं। वार्ड में सफाई का ये आलम है कि मकानों के पीछे बनी बैक लाइन में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गलियों में सुअरों ने डेरा डाल रखा है। महापौर के घर के पीछे बने नाले में इतना कचरा है कि यदि सफाई करवाई जाए तो कई ट्रॉली कचरा निकल सकता है। सबसे ज्यादा परेशानी क्षेत्र वासियों को सुअरों और आवारा मवेशियों से है। हालांकि दबी जुबान में वार्ड वासी यह भी कहते नजर आए कि कांग्रेसी पार्षद होने के चलते महापौर इस वार्ड में अधिक ध्यान नहीं देते हैं। बहरहाल पूरे शहर में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने वाले महापौर अपने ही गृह वार्ड में सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। हर तरह की गंदगी मिलेगी इस वार्ड में। इन बस्तियों को गंदी घोषित कर रखी है। क्यों कर रखी है गंदी घोषित? क्योंकि इसमें गंदगी अधिक रहती है। सुअर अधिक, गाइड होर अलग, ये हटते ही नहीं है। चार चार पांच पांच मुहार वोट बन चुके हैं, मगर ये समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। सफाई व्यवस्था, सफाई करने सफाई व्यवस्था आते हैं, सफाई भी होती है, बाकी नालियां ठीक से साफ नहीं होती है। अच्छा, आप खुद देख सकते हैं, कचरा भी ऊपर ही फेंक जाते हैं। और कुछ यहाँ के नागरिकों की भी गलती है जो कचरा ऊपर मकानों से गलियों में फेंक देते हैं। महापौर खुद इस वार्ड में रहते हैं, उसके बाद भी सफाई नहीं हो पा रही, नहीं हो पाती है, ठीक से नहीं हो पाती है पूरे शहर में। वो कॉलोनियों में ठीक से सफाई होती है, मगर इन बस्तियों में ठीक से सफाई नहीं होती है। कितनी गंदगी है आसपास, क्या है? आप खुद देख लीजिए, बीमारी क्यों नहीं होगी? अच्छा, बीमारी तो होगी, बीमार गंदगी से तो बीमारियां होती है। महापौर से क्या अपेक्षा करते हैं आप? महापौर से यही अपेक्षा करते हैं कि आप अपना खुद का वार्ड संभाल लो। अच्छा, और इसको साफ सफाई कर दो तो समझ लो शहर में सफाई हो जाएगी। पूरे शहर में महापौर निरीक्षण कर रहे हैं सफाई को लेकर, उनके वार्ड में सफाई नहीं करवा पा रहे हैं, क्या बोलेंगे? अब ये वो जाने क्यों नहीं करवा रहे। यहाँ कचरे की इतनी बड़ी समस्या है, जानवरों की समस्या है, गाय डोरों की समस्या है। पूरे क्षेत्र में सुअर काफी मात्रा में दिख रहे हैं, इन पे कार्रवाई पूरे शहर में हो रही है लेकिन इस वार्ड में नहीं हो रही, क्या बोले? नहीं नहीं, क्या है यहाँ पर, यहाँ गेट लग जाए, व्यवस्था सही साठ हो जाए तो अच्छा सुंदर वार्ड हो जाएगा, मगर महापौर इस वार्ड में ध्यान ही नहीं दे पा रहे। सड़कों से ज्यादा गंदा की बैक लाइन जो है मकानों की बैक लाइन में दिख रही है, नालियाँ साफ नहीं हो रही, कचरा वहीं फेंका जा रहा है, क्या कहेंगे आप? तो ये तो हमारे जो महापौर जी है, एक चक्कर वार्ड का दौरा करना चाहिए, उनको समस्या जानना चाहिए इस वार्ड की, कि वार्ड में समस्या क्या क्या है। जीतने के बाद अभी तक एक दौरा नहीं हुआ। पूरे वार्डों में घूम रहे हैं, पूरे शहर के वार्डों में घूम रहे हैं। महापौर बनने के पहले उन्होंने बोला था कि मैं हर वार्ड में समस्या जानूंगा, तो क्या कहेंगे, कितना सच और झूठ है? उनने तो बहुत कुछ बोला था कि इस वार्ड को क्लीन करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, मगर वो धरातल तो कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब आपको लगता है कि मतलब फोटो की राजनीति कर रहे हैं वो भी? फोटो की राजनीति तो है भैया, और क्या है, आम जनता तो परेशान है ना, वार्ड वासी को ऐसे ही पूछ लो। खुद का ही वार्ड नहीं सुधार पा रहे तो दूसरा वार्ड? आप 54 वार्ड तो छोड़ो, जो अपना वार्ड है उसी को क्लीन कर दो पहले, बताओ। उज्जैन के चिंतामन थाना क्षेत्र के मंगरोला में कब्जे की जमीन से ट्रैक्टर निकालने की बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। कुछ लोगों ने मौके पर कट्टे भी लहराए। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रविवार दोपहर मंगरोला निवासी समंदर पिता विजय सिंह और उसका भाई हुकुम सिंह ट्रैक्टर लेकर अपने खेत पर जा रहे थे। रास्ते में धर्म बडला निवासी नाना खेत से ट्रैक्टर निकालने की बात पर उनसे विवाद करने लगा और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। फरियादी ने बताया कि घटना स्थल पर आरोपी के साथियों ने कट्टे से भी धमकाया। जैसे तैसे घायल अपनी जान बचाकर चिंतामन थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई।
चिंतावन थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कट्टा लहराने वाले नाना के साथी को हिरासत में लिया है। फिलहाल घायल समंदर सिंह का इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में घायल समंदर सिंह के भाई हुकुम सिंह ने बताया, जंगल में जा रहे थे खेत बोने के लिए, तो रास्ते में उसने एक तो पानी निकाल रखा। पानी निकालने का हमने बोला कि भैया पानी मत निकालो, रास्ते में गाड़ी रखी थी। मैंने बोला कि गाड़ी निकल ये तेज अलग कर ले, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मैं सिर पर आ जाएंगे। जितने बोलो गाली मुक्ता करने लग गए और माथे मारने लग गए, और छोटा भाई को कुल्हाड़ी के सिर में दे मार। कौन कौन था मारने में? मारपीट करने मारने में वो खड़क सिंह के लड़की का लड़का था, नाना करके नाम उसका, और उसमें उसका दो साथी आए थे बाद में कट्टा लेके। तो वो तो हम अपनी जान बचा के बाहर साइड से निकल के आ गए, और उसके बाद में फिर पुलिस को खबर करी हमने। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, करे अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन, जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर, और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121-14-B जेके हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522515432। कार्तिक अगहन मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी के क्रम में दूसरी सवारी सोमवार को निकली। भक्तों को दर्शन देने बाबा महाकाल निकले। अब अगली दो सवारी अगहन मास में निकलेगी। ठीक शाम 4 बजे सभा मंडपम में पूजा के बाद बाबा को चांदी की पालकी में बैठाया गया। कहारों ने पालकी उठाई और राम घाट के लिए चल पड़े। रास्ते भर सवारी का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। हालांकि सवारी में आम श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम थी। राम घाट पर पूजन के बाद सवारी ने गोपाल मंदिर क्षेत्र का रुख किया। यहां से सवारी महाकाल मंदिर पहुंची। इस संबंध में पुजारी आशीष गुरु ने बताया, कार्तिक मास की आज दूसरी सवारी है, और कार्तिक मास की एक तरह से देखा जाए तो ये प्रमुख अंतिम सवारी भी कहलाती है, क्योंकि इसके बाद अगहन मास की दो सवारियां निकाली जाएगी। आज महापर्व होने के कारण भगवान महाकाल की शिप्रा मैया की यहाँ पूजा, उसके बाद गोपाल मंदिर पर पूजन होगी, और बाबा महाकाल कार्तिक मास की संपूर्ण सवारी के साथ में बाबा महाकाल के दरबार में पहुँचेंगे। ये अद्वितीय आनंद है जो बाबा को देखने को मिलता है। जो भक्त लोग 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, वो आज ही के दिन बाबा महाकाल के दर्शन कर भी अपना उपवास पूर्ण करते हैं, इसलिए कार्तिक मास का बड़ा महत्व है। इंदौर में 8 से 12 नवंबर तक होने जा रही पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालयीन महिला बास्केटबॉल स्पर्धा के लिए विक्रम विश्वविद्यालय की टीम घोषणा कर दी गई है, जिसकी कमान आकांक्षा शर्मा के हाथों में होगी। दरअसल बास्केटबॉल स्पर्धा का आयोजन वैष्णव इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाएगा। स्पर्धा में शामिल होने के लिए गोवा, मुंबई, पुणे आदि शहरों से टीमें पहुंच चुकी है। इधर विक्रम विश्वविद्यालय ने भी टीम की घोषणा की है। टीम की कप्तान आकांक्षा शर्मा होंगी। वहीं अन्य खिलाड़ियों में हर्षिता राय, महक भार्गव, रिया करणवाल, पलक अग्रवाल, अंकिता गोंदिया, इतिशा खलोटिया, प्रज्ञा राय, लवली चोपड़ा, पूर्वा परिहार व हेमलता कुमावत शामिल है। प्रमुख चयनकर्ता डॉक्टर संजीत राय, संगीता सुपेकर, डॉक्टर साधना निर्भय के मार्गदर्शन में बेहतर टीम बनाई गई है। टीम का प्रशिक्षक सुनीता यादव एवं सहायक प्रशिक्षक विजय बाली को नियुक्त किया गया है। स्पर्धा के ग्रुप डी में रखे गए विक्रम विश्वविद्यालय के दल को कुलपति एवं कुल सचिव ने शुभकामनाएं दी। इस बार की टीम हमें पिछले कई बार की उससे ज्यादा मजबूत नजर आती है, और शायद इस तरह की संभावनाएं हमको ज़्यादा दिखाई देती है कि इस बार हम कुछ मेडल हासिल कर सकें। व्यवस्थापक के रूप में इस टीम के साथ में समता मेहता जी, और प्रशिक्षक के तौर पर सुनीता यादव जी, और सहायक प्रशिक्षक के तौर पर जो है विजय बाली जी उनके साथ में रहेंगे। कप्तान के तौर पर टीम के आकांक्षा शर्मा होंगे, और हम उन सभी को शुभकामनाएँ देते हैं कि वो मैच में कुछ अच्छा करेंगे और विश्वविद्यालय का नाम करेंगे,
और संभावना ज़्यादा बनती है इस बार कि कोई मेडल हमको प्राप्त होगा तो विश्वविद्यालय का नाम होगा। हमारा 8 तारीख से संभाग हुआ था, 8 तारीख को संभाग हुआ था, उसके अगले दिन से जब चयन हो चुका था प्लेयर्स का, उसके बाद हमारा कैंप लग रहा है अभी तक, और अब कल जाना है, आज जाना है हमको टीम लेके, और फिर हमने प्रैक्टिस तो पूरी करी है और पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार मेडल लगे। कितना आपने इसके लिए मेहनत की, कितने कितने घंटे इसके लिए आपने प्रयास किया? मैक्सिमम 2.5 घंटे तो रहता था प्रैक्टिस के लिए, शाम को रोज। क्या लक्ष्य आप तय करते हैं इसके लिए, किस तरीके से आप सामने वाली टीम को बीट कर पाएंगे? जितनी कोशिश होगी उस हर तरीके से बीट तो करना ही है मेडल के लिए, ऑल इंडिया क्वालिफाई करने के लिए। मंगलवार को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। इसकी शुरुआत दोपहर 2:38:05 पर होगी और मोक्ष 6:19:02 पर होगा। ग्रहण की अवधि 4:19 होगी। उज्जैन में ग्रहण 36 मिनट तक देखा जा सकेगा। दरअसल जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है उस समय चंद्र ग्रहण होता है। ग्रहण के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और चंद्रमा हल्के लाल रंग का दिखाई देता है। देश में कोलकाता, कोहिमा, पटना, पुरी, रांची, इम्फाल आदि में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। शेष स्थानों पर चंद्रोदय की स्थिति के अनुसार आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। उज्जैन में चंद्रोदय शाम 5:43 पर होने से केवल 36 मिनट अर्थात शाम 6:19 तक ग्रहण दिखेगा। इधर चंद्र ग्रहण के चलते श्री मंगलनाथ और अंगारेश्वर मंदिर में पूजन एवं श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। श्री मंगलनाथ मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक के पाठक ने बताया, चंद्र ग्रहण होने के कारण सुबह 5:30 से सूतक काल शुरू हो जाएगा जो कि शाम 6:19 तक रहेगा। इस अवधि में मंगलनाथ मंदिर और अंगारेश्वर मंदिर में प्रवेश, भात पूजा तथा अन्य सभी प्रकार का पूजन कार्य बंद रहेगा। 8 नवंबर 2022 को पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण का प्रारंभ 2:38 पर होगा। मध्य की स्थिति 4:29 से होगी और ये स्थिति 5:12 पर रहेगी। इस समय चंद्रमा पूरा का पूरा जो पृथ्वी के छाया क्षेत्र में रहेगा। जिन स्थानों पर चंद्रोदय 5:12 से पूर्व होगा वहाँ हम पूर्ण ग्रहण की स्थिति देख पाएंगे। भारत में ये जो पूर्ण ग्रहण देखने वाले स्थान है वो पूर्वी हिस्सा है, जिसमें कोलकाता, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, पुरी, पटना, इन स्थानों पर हम पूर्ण ग्रहण देख पाएंगे। बाकी स्थानों पर जहाँ जहाँ चंद्रोदय जिस प्रकार से होगा वहाँ पर स्थितियाँ रहेंगी। ग्रहण मोक्ष का समय 6:19 है। अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में ग्रहण का प्रारंभ 5:43 पर होगा। चंद्रमा का उदय ग्रहण लगी हुई स्थिति में ही होगा और 6:19 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार उज्जैन में ग्रहण की अवधि केवल 36 मिनट है। महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपनेपन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी, साथ ही लुफ्त उठाएं सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता जी 2/3 जवाहर नगर, नियर कॉस्मोस मॉल, नाना खेड़ा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491। और अब खबरें दे दनादन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एडीआर सेंटर भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्राधिकरण सचिव अरविंद कुमार जैन की उपस्थिति में मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम एवं पैनल अधिवक्ताओं की बैठक की। इस दौरान जैन ने पक्षकारों को मध्यस्थता का महत्व समझाते हुए कहा कि मीडिएशन में दोनों पक्षों की जीत होती है और इसमें कोई भी पक्ष नहीं हारता है। कलेक्टर आशीष सिंह ने सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के सभा कक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा की। इसमें कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमित कार्यों में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए, काम नहीं करने वाले सेवकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। कोषालय के समन्वय में उज्जैन मुख्यालय पर कर्मचारियों के जीपीएफ संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए जीपीएफ अदालत 7 दिसंबर को होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर फोटो निर्वाचक नामावली के प्रकाशन से पहले राजनीतिक दलों की बैठक बुधवार अपराहन 3:30 सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के तृतीय तल के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी।
भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, आश्रितों की समस्याओं के निराकरण और शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए मासिक बैठक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कोठी पैलेस विक्रम नगर रोड में 11 नवंबर को सुबह 11 बजे से होगी। माधव कॉलेज के एमए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र सतीश पुरोहित ने पहले ही प्रयास में यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। वह अपराध शास्त्र विषय से परीक्षा में शामिल हुए थे। पुरोहित का सम्मान कॉलेज प्राचार्य जेएल बर्मिया, अतिरिक्त संचालक डॉक्टर अपर्ण भारद्वाज, विभागाध्यक्ष चंद्रदीप यादव ने किया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।